एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के चैनल पे सो so, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो so, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ई एस आई सी का एग्ज़ाम होने जा रहा है सेवन जुलाई को जिसके लिए अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी डेज़ लेफ्ट है क्योंकि एग्जाम के पहले दो दिन आई थिंक आपको रिवीजन नहीं करना होता आपको रिलैक्स करना होता है सो so, उन 40 डेज में आप अपनी स्टडी की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनाएं और ये डिमांडेड वीडियो है बिकॉज आप लोग मेरे को कॉल करके पूछते हो मैम हम कैसे रिवीजन करें हम कोई बैच नहीं ले रहे हैं हम कैसे करें सो so, आज हम सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सो so, चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और बिना स्किप किए देखना ताकि आप हर एक चीज़ को डिटेल से समझ पाओ कि मैं जो करने वाली हूँ यहाँ पे आपके 40 डेज के टाइम फ्रेम की वो आपके लिए बिल्कुल सही रहे और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो रेगुलरली यहाँ पे 12:30 थर्टी मैं एम क्लास लेती हूँ जो कि ई के ही रिलेटेड है जिसमें ऑलरेडी मैं फाइव हंड्रेड क्वेश्चन करा चुकी हूँ सो तो अगर उन फाइव में से आपको फाइव क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में तो आपके पाँच नंबर पक्के हैं सो so, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि अगर आपको उनमें से अच्छा लगे आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वो भी आप लोगों की हेल्प कर सके सो so, स्टार्ट करते हैं अपने जो सेवन फोर्टी डेज़ का सेवन जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसका प्रपरेशन आप लोगों ने कैसे करना है सो so, सबसे पहले बच्चा ये जो टाइम फ्रेम है आपके पास अब है सिर्फ फोर्टी डेज़ का जो कि बहुत कम टाइम फ्रेम है अगर आप चाहो फुल सिलेबस करने के लिए सो so, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से जरूर बोलूंगी कि अगर कोई भी एग्जाम होता है तो आप ट्राई किया करो कि उस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है थ्री से फोर मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर दो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए आप उनकी प्रिपरेशन करो मैं इन फोर्टी डेज को दो टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर रही हूँ ठीक है एक आपका टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं 25 डेज का और एक हम आपका टाइम फ्रेम लेके चलते हैं 15 डेज़ का जो कि हमारा प्लस करके हो गया 40 डेज सो so, इस टाइम फ्रेम में आप कैसे अपनी प्रपरेशन कर सकते हो देखो सबसे पहले तो मैं आपके 25 डेज का बात करूंगी सो ट्वेंटी फाइव डेज में हमारे हमने करनी है थ्योरी थ्योरी भी हमने कैसे करनी है क्योंकि हमारे पास दो अभी सब्जेक्ट्स हैं एक तो है हमारे पास माइनर और एक है हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं आपकी मेडिकल सर्जिकल आपकी फंडामेंटल्स आपकी पीडियाट्रिक्स साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसको आप बोलते हो साथ ही में आपका हो जाएगा ऑब्जन गाइनी एंड इसी में ही आप ऐड करोगे जो आपकी फोरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी एंड इसी के साथ आपका जो हो जाएगा अनैटमी एंड फिजियोलॉजी सो ये जो हैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि 85 से 90 परसेंट ऑफ द वेटेज पेपर की लेके आएगा ठीक है ये मेजर सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट्स हैं और ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल सर्जिकल फंडामेंटल पेडियाट्रिक्स सेकेट्रिक ऑफ कम्युनिटी प्लस अनाडमी एंड फिजियोलॉजी सो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को देखो तो ये टोटल हो गए आपके सेवन सब्जेक्ट्स कितने हो गए ये आपके टोटल सेवन सब्जेक्ट्स और जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स बनते हैं वो जितने भी आप देख लो जो आपका न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट है ठीक है जो आपका सोशोलॉजी वाला सब्जेक्ट्स है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी वाला सॉरी सब्जेक्ट्स है सोशोलॉजी वाला सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री है बायो फिजिक्स है ठीक है ये सारे जो हैं आपके इधर चले जाएंगे नर्सिंग एजुकेशन है ये आपके सारे चले जाएंगे माइनर सब्जेक्ट्स में ठीक है सो इन माइनर सब्जेक्ट्स को आपने सिर्फ देने हैं अब फाइव डेज इन ट्वेंटी फाइव डेज में जो ये ट्वेंटी फाइव डेज है इनमें से आपने इन माइनर सब्जेक्ट्स को बस पांच दिन देने हैं ज्यादा नहीं देने हैं एक दिन आप न्यूट्रिशन कर लो एक दिन आप नर्सिंग एजुकेशन कर लो एक दिन आप साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी इकट्ठी कर लो बिकॉज ऑलरेडी आप बीएससी में इनको अच्छे से पढ़ चुके हो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं ये और एक बार एक दिन आप बायो एंड बायोफिजिक्स पे लगा दो ठीक है नर्सिंग मैनेजमेंट ये पांच दिन में आपको सब्जेक्ट्स अपने फिनिश करने हैं जैसे भी करके बचे हुए ट्वेंटी डेज जो है आपको इन सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपके सेवन हैं इन पे लगाओ थ्री डेज अगर आप ईच भी देते हो तब भी आपके ट्वेंटी डेज में ये फिनिश हो जाएंगे क्योंकि मेजर जो हमारा मेडिकल सर्जिकल जो है बड़ा है हमारी फंडामेंटल जो है बड़ी है जो कम्युनिटी है ये टू डेज में हो जाएगी बिकॉज कम्युनिटी क्या है एक थोरेटिकल पार्ट है जो कि आप एक बार जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ोगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी या फिर आपने कहीं बैच ज्वाइन कर रखा है या फिर आप मेरे पास ही ट्रिपल नाइन वाले बैच में हो तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो इस टाइम आपके पास तीन ही ऑप्शन हैं एक तो है आपके पास कंसिस्टेंसी एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए थर्ड है आपके पास स्मार्ट वर्क ठीक है जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ बाय बाय करो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड बैचेस बाय करो इस टाइम फोर्टी डेज़ के लिए प्लस है आपका हार्ड वर्क के कोई भी दिन अब मेरी छुट्टी नहीं होगी आई डोंट नो संडे क्या होता है आई डोंट नो छुट्टी क्या होती है सो so, इन तीन चीज़ों पर आपको चलना है सो सेवन डेज जो सेवन ये सब्जेक्ट्स हैं इनको आप ट्वेंटी डेज देने वाले हो और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप फाइव डेज देने वाले हो अगर आप मेरे हिसाब से अपनी फोर्टी डेज की प्रेपरेशन कर रहे हो और अगर ऐसे ही करोगे आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप पेपर जो है क्लियर कर पाओगे ये थ्योरी करने के बाद आपके जो अगले फिफ्टीन डेज है इसमें आपको मेजोरिटी ऑफ द एम करने हैं ठीक है पर डे आपका फाइव हंड्रेड होना चाहिए चाहे आप कोई बुक ले लो चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज़ बाय कर लो चाहे आप किसी टीचर से एम की फाइल्स या फिर पी बाय कर लो या फिर आप मॉक टेस्ट बाय कर लो या फिर आप रेगुलरली यूट्यूब पर ठीक है, रेगुलरली यूट्यूब पे जितना हो सके उतने चैनल्स पे जाके एम सी क्यूज क्लासेस लगाओ ठीक है जिसमें आपके 500 हंड्रेड एम सी क्यूज हो जाए सो so, ये है मेरा पूरा 40 डेज का आपका प्लान ये 40 डेज के बाद आपके पास दो दिन बचेंगे लास्ट के उन दो दिनों में आपने जो ये डेज में काम किया है इन पे उन चीजों को जरूर करना जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं या फिर आपको पता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो कि ई के एग्जाम में आ सकता है उन हाईलाइटेड चीजों को ही आपको इन टू डेज में पढ़ना है ठीक है जैसे कि अगर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाते हो वहाँ पे आप पढ़ते हो कि नेट प्रीप्रोडक्टिव रेट कितना है सो so, उस नेट रिप्रोडक्टिव रेट का आपको पता है कि इम्पोर्टेंट ये लाइन है तो उसको आप एक हाइलाइटर से मार्क करो अच्छे से ऐसे करके और उस हाइलाइटर के मार्क किए हुए जितने भी सब्जेक्ट्स की लाइंस हैं उनको रेगुलरली दो दिन आपने न्यूज़ की तरह कम से कम फिफ्टीन टाइम्स पढ़ना है कम से कम 15 टाइम्स उनको पढ़ना है अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हो जो भी बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है या फिर जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है 40 डेज का ये प्लान जो है अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आप श्योरिटी से सिलेक्शन ले पाओगे ठीक है और माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स का डिफरेंट जानो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 15 से ट्वेंटेन परसेंट तक की वेटेज रखेंगे हाँ 300 मार्क्स का जो पेपर है वो आ रहा है बट इन चीज़ों को ध्यान में लेके चलो कि जो मेजर नर्सिंग है वो ज़्यादा आने वाली है और उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम न्यूट्रिशन साइकोलॉजी सोशोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इन सब चीज़ों को दे रहे हो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के सो so, ये था मेरी तरफ से फोर्टी डेज़ प्लान और अगर आप अभी भी अगर आपको यह है कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए मुझे इस टाइम इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो आप आज भी मेरा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो सेवन नाइन सेवन थ्री टू फोर फोर जीरो एट नाइन पे कॉल या फिर मैसेज करके ये ट्रिपल नाइन का क्रैश कोर्स है बच्चे जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको लाइव भी प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ इम्पॉटेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस एम रेगुलरली हम करते हैं प्लस टेस्ट सीरीज इसमें हर संडे आपका टेस्ट होता है प्लस डाउट क्लासेस डाउट क्लासेस इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो आप रिविजन करोगे ना ये फाइव पर डे एम की ये आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करने वाली है और आपका मोटिवेशन बहुत कम करने वाली है क्योंकि बहुत से एम ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते सारा सिलेबस करते

आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप इजिली जो है वो पेपर क्रैक कर पाओगे और कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं जिस भी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूंगी सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो मिलते हैं एम सी क्यू क्लास पे ट्वेल्व थर्टी सो बने रहें इस चैनल पर तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चे